नमस्ते, जैंडी किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए वाटरमेलन कैंडी यानी तरबूज की आइसक्रीम। ये बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वाटरमेलन कैंडी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वाटरमेलन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर हाफ वाटरमेलन लिया है और जो इसका पीच वाला हिस्सा है यानी रेड वाला हिस्सा, उसको हम काम में लेंगे। चाकू की मदद से हम रेड वाले हिस्से को ले लेंगे पीसेस करके। तो इस तरीके से नाइफ की मदद से हम जो भी वाटरमेलन का रेड हिस्सा है उसको हम निकाल लेंगे। तो जैसे आपका वाटरमेलन होगा उसी के हिसाब से आपकी कैंडी बनेगी। अगर आपका वाटरमेलन बहुत ज़्यादा मीठा है तो आपको ज़्यादा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका वाटरमेलन जो आप काम में ले रहे हो वो फीका है तो आप उसके हिसाब से शुगर डाल सकते हैं। कुछ वाटरमेलन में सीड्स ज़्यादा होते हैं और कुछ वाटरमेलन में जो इसके बीज होते हैं वो कम होते हैं। तो अगर आपके वाटरमेलन में ज़्यादा सीड्स नहीं है तो आप आसानी से उसका जूस बना पाएंगे। जैसे आप मिक्सी में बना सकते हैं पीस के। अगर उसमें बीज है तो आप इस तरह के फूड प्रोसेसर भी काम में ले सकते हैं। इसमें डाल के करने से ये होता है कि जो बीज होते हैं वो साथ में नहीं पीसते, तो आप उसको फिर बाद में छान के अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बड़ा वाला फूड प्रोसेसर काम में ले रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा कैंडी बना रहे हैं। अगर आप एक दो कैंडी बना रहे हैं तो आप ये छोटा वाला प्रोसेसर काम में ले सकते हैं। तो हमने चाकू की मदद से बड़ा वाला जो भाग था रेड वाला तरबूज का वो अलग कर दिया है। अब हम स्पून की मदद से जो थोड़ा और बच गया था वो भी इस तरीके से ले लेंगे। इस तरीके से करने से भी थोड़ा बहुत जूस अपना भी बन जाता है क्योंकि वाटरमेलन में बहुत पानी होता है। और यदि आप हाथ से भी मैश करेंगे तो भी उसका जूस बन जाएगा। उसको आप कपड़े से छान सकते हैं, चन्नी से छान सकते हैं, जैसे चाहे आपको सुविधा उसके हिसाब से आप छान सकते हैं। तो हमने इस प्रोसेसर में अपने जो वाटरमेलन के पीसेस थे वो डाल दिए हैं और हाथों की मदद से इसको चला लेंगे क्योंकि हैंड प्रोसेसर है। कुछ बिजली से चलने वाले भी मिलते हैं मार्केट में। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा वाटरमेलन का जूस तैयार है और इसके अंदर सीड्स जो हम वाटरमेलन के हैं वो साबुत है, वो साथ में नहीं पीसे हैं। तो इसमें पीसने से ये होता है कि सीड्स साबुत रहते हैं, पीसते नहीं, साथ में मिक्सी में पीसने से बीज भी जूस के साथ में पीस जाते हैं और फिर जूस कड़वा हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ले ली एक चन्नी जिससे हम इसको छान लेंगे। तो अगर आपके पास कोई कपड़ा है कोई कॉटन का तो वो ले ले, चन्नी है तो वो ले ले, जिससे भी आपको सुविधा हो उसे आप छान ले इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जूस। तो वाटरमेलन कैंडी का कलर आपकी वाटरमेलन में डिपेंड करेगा। आपका वाटरमेलन जितना डार्क कलर का होगा उतनी ही आपकी कैंडी का डार्क कलर आएगा और आपका वाटरमेलन जितना लाइट कलर का होगा आपकी वाटरमेलन कैंडी उतनी ही लाइट कलर की बनेगी, क्योंकि जमने के बाद में कैंडी और ज़्यादा लाइट हो जाती है। तो इस तरीके से दबा दबा के हम सारा जूस बाउल में ले लेंगे और जो जूस निकालने के बाद में जो चन्नी में रह गया है उसमें से आप बीज अलग करके इसको आप चटनी में किसी भी चटनी बनाने के काम में ले सकते हैं या इसको जैम बना सकते हैं शुगर सिरप बना के, और जो भी आप उसमें फ्लेवर डालना चाहें आप डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं। तो आप जैसे चाहे इसको काम में ले सकते हैं, इसको फेंके ना। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबल के लगभग पीसी हुई शुगर यानी शक्कर। तो 2 टेबल स्पून के लगभग हम इसमें शुगर डाल रहे हैं जिसको हमने पीस लिया था पहले से, जिससे हमारा प्रोसेस जल्दी से हो जाए। अगर हम साबुत शुगर डालेंगे तो उसको थोड़ा सा घुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमने इसलिए शक्कर को पीस लिया था। तो अगर आपका वाटरमेलन मीठा है तो आपको शुगर कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और अब अगर आपका वाटरमेलन फीका है तो आपको उससे भी ज़्यादा शुगर डालनी पड़ सकती है क्योंकि शुगर इसमें ज़रूरी होती है कैंडी को जमाने के लिए। और 1/2 टीस्पून के लगभग हमने इसमें डाल दिया है काला नमक, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है काला नमक डालने से, खट्टा मीठा सा। तो हमारा वाटरमेलन जूस तैयार है कैंडी जमाने के लिए। तो इसको हम एक कप में ले लेंगे ताकि हम अच्छे से अपने जो है आइसक्रीम मोल्ड है उसमें डाल सके। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी कांच की गिलास, स्टील की गिलास में, कप में, कटोरी में, जैसे भी जमाना चाहे आप जमा सकते हैं, और उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा दें स्टिक डाल के। तो यह हमने आइसक्रीम मोल्ड ले लिए जिस पर हम चम्मच की मदद से ये वाटरमेलन का जूस डाल रहे हैं। इसके अंदर सारे मोल्ड में हम बराबर बराबर जूस डाल देंगे और इस तरीके से जैसे आपको इजी हो वैसे डाल दें। और अब ऊपर से
इसकी जो कैप है वो लगा देंगे और इसको पूरा बंद कर देंगे और इसको रख देंगे फ्रीजर के अंदर 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से जम जाए, सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। तो 5 से 6 घंटे हो गए, हमने इसको बाहर निकाल लिया है और ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है। तो कैंडी को इजीली निकालने से पहले हम एक पानी से भरी हुई गिलास ले लेंगे और उसमें 1 सेकंड के लिए इस तरीके से मोल्ड को डालेंगे और उसके बाद में बाहर निकाल देंगे। तो इससे ये करने से जो कैंडी और जो आइसक्रीम होती है वो बहुत ही इजीली बाहर निकल जाती है। इस तरीके से देखिए कितनी इजीली बाहर निकल गई है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी आप कोई आइसक्रीम या कैंडी जमाएं तो इसी तरीके से पानी भरे बर्तन में 1 सेकंड के लिए रखें और फिर उसके बाद में निकालें तो बहुत ईजी रहता है। तो हमारी ये खट्टी मीठी वाटरमेलन कैंडी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप भी इस गर्मी में ये वाटरमेलन कैंडी बनाएं और अपने बच्चों को दें, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो चैंडी किचन की वाटरमेलन कैंडी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन भी मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।